मेरे बच्चों, जो मैं करती हूँ आपको बता रही हूँ, आप भी अपनी माओ पे नुस्खा आजमाओ, बहुत फायदेमंद है। जब से मैं 50 की उम्र की हुई तब से ये शुरू की हूँ। हफ्ते में 2 बार पीती हूँ, बहुत माशाल्लाह उसमें ताकत है ये। और ये मेरे खुद के नुस्खे नहीं है, हकीम हकीम के है। ये है ओट्स और अलसी। अगर 10 टेबल स्पून ओट्स हो तो उसको 1 टेबल स्पून अलसी लेने की, और उसको बारीक गैस पर 5-6 मिनट भुनने की, एकदम बारीक गैस पर, और एक डब्बे में भर के रखने की, ये हमेशा मेरी रहती है। और एक खजूर है 5, सादे खजूर। सादे खजूर में कोई मिलावट नहीं रहती, जो दुकान के रहते हैं ना वो। बाकी खजूर में मुझे लगता है कि मिलावट है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा दिल से लगता है, तो मैं ये सादे खजूर लाल वाले इस्तेमाल करती हूँ। और ये बादाम है 5, जिसको बारीक काट के ली हूँ, आप पाउडर भी बना सकते हो। 1 केला और दूध जितना लगेगा उतना, इसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं जाती। अभी देखो इसमें डाली बादाम, इसमें डाली खजूर, इसके बदले आप पाउडर, इस जगह पर आप इन चीजों का पाउडर भी करके ले सकते हो। अब इसमें केला काट के डालूंगी। केला उसी टाइम क्यों काटती हूँ, क्योंकि केला काला पड़ जाता है पहले काटने से। इसमें 2 टेबल स्पून ये भर के डालूंगी ओट्स और अलसी मिक्स किया हुआ। ये 3 डालती हूँ तो 2 टेबल स्पून हो जाता है। ये देखें, इसमें शक्कर गुड़ कुछ नहीं डालता, खजूर और केले की मिठास रहती है। मगर ये खाने के बाद 3 घंटे भूख नहीं लगती अपने को, यानी उतना खाना अपने पेट में कम जाता है। ये दूध पूरा जाएगा, दूध जैसा आपको पतला गाढ़ा लगे वैसा करो। ये देखो अपना सुबह का नाश्ता हो गया। ये सुबह 8 बजे पीती हूँ तो दोपहर को डायरेक्ट खाना खाती हूँ, मगर हफ्ते में 2 बार पीने बोले हैं। और मेरे लिए नुस्खा दिया है, मैं 50 के ऊपर हूँ, मैं 50 से शुरू की हूँ, उस हिसाब से आप पियो। देखो पूरा नाप हो गया मेरा। सुबह नमाज से पहले सिर्फ मैं एक गिलास यानी वो मेरा 1.25 लीटर का मग रहता है, वो पानी गरम और दालचीनी का पाउडर आधी चम्मच खाती हूँ। और फिर वैसे ही मैं चल के आती हूँ, काम करती हूँ, और फिर उसके बाद एक दिन ए ड्रिंक, तो दूसरे दिन एप्पल का, तो तीसरे दिन तीसरा, ये हफ्ते में 2 बार ही पीना रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरी बच्चियाँ पूछती हैं, आंटी आप में इतनी ताकत क्यों, तो आंटी अपने ऊपर ध्यान दे रही है, पहले नहीं दिया, कुछ नहीं ध्यान मन दिया, अब आंटी अच्छे से अपना ख्याल रखती है। आप भी अपना ख्याल रखो, और मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आजमाओ, बहुत ताकत है इन चीजों में। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, जजाए खैर। आपको पता है चैनल मैंने क्यों निकाली हूँ, नहीं तो इस उम्र में सब आराम करते, मगर मैं काम कर रही हूँ क्योंकि सवाबे जारिया के लिए कि एक किसी बच्चे की चैनल काम आए। आप भी इसे साथ दो, चैनल को आगे करो, इंशाल्लाह आप भी सवाबे जारिया में दाखिल होगे। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे जो सवाबे जारिया होगे, मगर मेरा भी साथ दो। जैसा एक खैर, अल्लाह हाफिज़।